जी हाँ दोस्तों, फाइनली अब क्रिप्टो करेंसीज को INR यानी कि इंडियन रूपी से बाय किया जा सकता है, और वो भी UPI और IMPS के द्वारा। एक इतना बड़ा सोल्यूशन आया मार्केट में जो पहले हमारी इंडियन कोई भी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज नहीं कर पाई, जिसमें कॉइन DCX आता है, वजीरएक्स आता है, हमारी कॉइन स्विच कुबेर आती है, तो ये सारी एक्सचेंजेस हैं। इसी के साथ साथ अगर हम कॉइन बेस जैसी एक्सचेंजेस की बात करें तो वो एक्सचेंजेस भी इंडिया में आकर अपनी सर्विस शुरू करने लगी, लेकिन उस तरीके से काम नहीं कर पाए, यानी कि वो UPI सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर पाए। लेकिन अब फाइनली इंडिया में UPI के द्वारा और IMPS के द्वारा INR से हम क्रिप्टो करेंसी को परचेज कर पाएंगे। तो ये हमारे पूरे इंडिया के लिए, सभी क्रिप्टो ट्रेडर्स के लिए बहुत ही बड़ा अपडेट है। और सबसे बड़ी चीज़ ये भी है कि ये ऐसी एक्सचेंज के ऊपर है जो कि फॉरेन एक्सचेंज है, यानी कि इसके ऊपर हमें टैक्स नहीं देना पड़ेगा, TDS भी नहीं देना पड़ेगा, जो कि हमारे लिए बहुत ही बड़ा फायदा होने वाला है। तो ये कैसे होगा, वीडियो पूरा देखते रहना, अभी से लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, और टेलीग्राम के ऊपर आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे वॉफ्ड ऑफिशियल के ऊपर, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो वहां पे मैं अपडेट सारी डाल रहा हूं। जैसे कभी थोड़ी देर पहले डोनाल्ड ट्रंप का अपडेट ये आया था कि वो कह रहे हैं कि वो क्रिप्टो करेंसीज को सपोर्ट करेंगे, कि अगर आप क्रिप्टो करेंसीज चाहते हो USA में तो आपको ट्रंप को ही वोट डालना पड़ेगा। और उन्होंने जो बाइडन का मजाक भी उड़ाया कि जो बाइडन को शायद क्रिप्टो करेंसीज के बारे में पता ही नहीं है, शायद इसलिए वो सपोर्ट भी नहीं कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ आपको यहाँ पे एक थोड़ा सा और ट्रेंड के बारे में बताना चाहता हूँ BTC का, कि बिटकॉइन अभी यहाँ पे हाविंग तो हो चुकी है लेकिन हमें कोई बहुत बड़ा मूव नहीं देखने को मिला। तो इसका रीज़न ये कि 2015 से 17 वाला जो साइकिल था वहाँ पे बिटकॉइन ने पीक पकड़ा था, लेकिन 518 दिन के बाद, यानी कि हाविंग होने के 518 दिनों के बाद। फिर 2019 और 2021 का जो साइकिल था तब हाविंग हुई थी, उस हाविंग के 546 दिन के बाद बिटकॉइन ने अपना एक नया ऑल टाइम हाई बनाया था। तो अगर हम पुराना ही ट्रेंड पकड़ के चलते हैं तो अभी क्या है कि फिर से 500 दिन से ज़्यादा लग सकते हैं, यानी कि लगभग 1.5 साल लग सकता है, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अक्टूबर 2025 तक ये पॉसिबल होने वाले। सितंबर और अक्टूबर, इन दो महीनों के अंदर 2025 में हमें एक बड़ा बुल रन देखने को मिल सकता है। तो वैसे अगर हम ओवरऑल देखें तो BTC की वैल्यू $60,000 से ऊपर चल रही है, ऐसा नहीं कि पहले की तरह $14,000-15,000 के पे आ चुकी है। तो अभी $60,000-70,000 तो हम ऑलरेडी देख भी चुके हैं, $70,000 से ऊपर भी देख चुके हैं BTC को। अभी इसका जो नेक्स्ट पॉइंट होने वाला है वो $1,00,000-1,20,000-1,30,000 तक जाने वाला है BTC, जो कि आने वाले 500 दिनों के अंदर हमें देखने को मिल सकता है। तो ट्रेडिंग की दुनिया कुछ ऐसी है, यहाँ पे जो ट्रेंड्स हैं वो रिपीट होते हैं, ट्रेंड्स के बेसिस पर ही सब कुछ चलता है। और ट्रेंड्स को अगर हम देखें तो डेफिनेटली BTC कभी नीचे नहीं जाने वाला लॉन्ग रन में, बल्कि BTC ऊपर ही जाएगा। और इसी दौरान अभी जब BTC यहाँ पे $60,000 के आसपास स्टेबल चल रहे हैं, तो आप देख पा रहे होंगे कि ऑल्टकॉइंस, नए से नए ऑल्टकॉइंस मार्केट में आ रहे हैं, जो एग्जिस्टिंग ऑल्टकॉइंस हैं वो भी एक बड़ा प्रॉफिट दे रहे हैं। तो इस ट्रेंड को ज़रूर याद रखना, एंड आई थिंक यही कारण है कि हमें अभी एक बेस्ट एक्सचेंज भी चाहिए। तो यहाँ पे मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ कोई किसी भी एक्सचेंज का, लेकिन आपको बताना चाह रहा हूँ कि जैसे कि एक्सचेंज यहाँ पे आया है जो वो BitKat है, तो इन्होंने Alchemy Pay के साथ पार्टनरशिप करी है, जिससे क्या कि क्रिप्टो करेंसी परचेज करी जा सकती है INR में, यानी कि इंडियन रुपीज़ में। तो इंडियन रुपीज़ में हम चाहते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर परचेजिंग हो, और वो भी UPI के द्वारा, जो कि जनरली ऐसा कभी नहीं हुआ है और ये बहुत मुश्किल रहता है हमेशा। और अगर हम P2P मेथड यूज़ करते हैं तो Binance के ऊपर आपको पता ही होगा कि क्या हालात हमने देखे हैं, बहुत सारे बैंक अकाउंट्स फ्रीज भी हुए हैं, बहुत सारा पैसा अभी भी फ्रीज पड़ा हुआ है जो कि कई सालों से पड़ा हुआ है। लेकिन अगर हम डायरेक्टली अपने अकाउंट से बाइंग या सेलिंग करते हैं तो बहुत ही आसान रहने वाला है। तो यही चीज़ अभी Alchemy Pay लेकर आया BitKat के ऊपर। तो ये न्यूज़ अभी मैंने देखी थी तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो बात यहाँ पे सिर्फ इतनी नहीं है कि आप INR से बाय कर पाओगे, बात यहाँ पे इससे भी बड़ी है कि आप UPI से कर पाओगे, क्योंकि UPI सब कुछ आसान कर देता है। UPI हमारे भारत की जो टेक्नोलॉजी है बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है, इससे क्या है कि सेलिंग, परचेजिंग, ट्रांसफर्स बहुत आसान रहते हैं। तो आप अपना UPI इस्तेमाल करके यहाँ पे INR डालोगे, INR डाल के आप BitKat के ऊपर Alchemy Pay के द्वारा जो आपने INR डाला है उससे क्रिप्टो करेंसीज बाय भी कर पाओगे। तो ये बहुत ही आसान रहने वाला है। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा डाउट ये है कि जब INR डलेगा यहाँ पे क्या है कि जो फीस रहने वाली है डिपॉजिट की या विड्रॉल की, वो थोड़ी बहुत ज़्यादा हो सकती है, यानी कि कुछ परसेंटेज ज़्यादा हो सकती है। लेकिन एक चीज़ मुझे थोड़ी सी बेटर लग रही है कि शायद इसके ऊपर हमारा इंस्टेंट TDS नहीं कटेगा। अगर TDS नहीं कटता है तो हमारा बहुत बड़ा पैसा बचेगा, यानी कि BitKat के ऊपर जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो अगर TDS नहीं कटेगा तो बहुत बड़ा अमाउंट हमारा बचने वाला है। और फॉरेन एक्सचेंज होने की वजह से हमें क्या है कि टैक्सेस का भी इतना ज़्यादा बोझ नहीं लेना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि क्यों अभी जो मूवमेंट है क्रिप्टो करेंसीज की, हमारे क्रिप्टो एसेट्स की, वो बाहर के एक्सचेंजेस के ऊपर जा रही है। और ऐसा भी है कि कुछ ट्रेडर्स जो हैं वो बाहर जा रहे हैं, यानी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस एंड प्रोजेक्ट्स अभी बाहर जा रही हैं, जो कि दुबई और सिंगापुर में जनरली मूव हो रही हैं। BitKat की बात करें तो ये इंडियन एक्सचेंज नहीं है, ये सेशेल्स बेस्ड है, जिसको ये भी बोल सकते हैं ये एसोसिएटेड विद सिंगापुर BitKat PTE है। तो इन्होंने एक बहुत ही अच्छा काम ये कर लिया कि अभी Alchemy Pay के साथ इन्होंने पार्टनरशिप कर लिए, तो अभी INR में डिपॉजिट विड्रॉल बहुत ही आसान होने वाले हैं।
लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि हमारे इंडियन एक्सचेंजेस अगर ऐसा कुछ करती तो शायद और भी आसान हो जाता, लेकिन इंडियन एक्सचेंजेस के ऊपर फीस बहुत ज़्यादा है। अगर आप डिपॉजिट करते हो तो आपका विड्रॉ नहीं होगा, विड्रॉ करते हो तो आपका डिपॉजिट नहीं होगा, डिपॉजिट कर दिया तो क्रिप्टो ट्रांसफर्स नहीं होंगे, तो ऐसा बहुत कुछ है, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं जो कि हमारी खुद की फेवरेट एक्सचेंजेस के ऊपर हो रहा है, जैसे कि वजीरएक्स के ऊपर या फिर कॉइन डीसीएक्स जैसे एक्सचेंजेस के ऊपर भी हो रहा है। और बैंक ट्रांसफर्स का ऑप्शन मुझे लगता है कि लगभग सारी एक्सचेंजेस के ऊपर होना चाहिए था जो कि हमारी खुद की इंडिया की एक्सचेंजेस हैं, लेकिन उनके ऊपर यूपीआई के द्वारा बैंक ट्रांसफर अवेलेबल नहीं है। तो ओवरऑल आज के हमारे इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपको कोई और डाउट है टीडीएस को लेकर या फिर किसी भी एक्सचेंज या प्रोजेक्ट को लेकर, कॉइन को लेकर, नीचे कमेंट करो, नेक्स्ट वीडियो में हम जरूर कवर करेंगे। एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन हमेशा पहुँच रहे। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।